राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेले गए मुकाबले में राजस्थान की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 203 रन का बड़ा लक्ष्य खड़ा किया। आपको बता दें कि हैदराबाद की टीम को 204 के लक्ष्य का पीछा करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हैदराबाद की टीम ने लगातार विकेट खोए, जहां राजस्थान की टीम के लिए यशस्वी जायसवाल, जोस बटलर, संजू सैमसन टॉप 3 बल्लेबाजों ने अर्धशतक लगाया, तो वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की शुरुआत काफी खराब रही। टीम ने लगातार अपने विकेट खो दिए और टीम लड़खड़ाती हुई नजर आई। इसके अलावा टीम के लिए 13.25 करोड़ रुपए में शामिल किए गए हैरी ब्रुक भी फ्लॉप हो गए। 13.25 करोड़ रुपए में ऑक्शन में हैरी ब्रुक को हैदराबाद ने अपनी टीम में शामिल किया, लेकिन हैरी ब्रुक की बात करें तो वह केवल 13 रन ही बना सके और युजवेंद्र चहल की बोल पर क्लीन बोल्ड हो गए। हैरी ब्रुक 21 गेंदों में 13 रन ही बना पाए और क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन लौट गए। ब्रुक की बात करें तो उनकी पारी बिल्कुल फ्लॉप रही, जो उम्मीद हैदराबाद ने उनसे लगाई वह उस पर नहीं खड़े उतरे। इसके अलावा युजवेंद्र चहल ने उनके विकेट के साथ एक इतिहास रच दिया। युजवेंद्र चहल की बात करें तो इस मैच में हैरी ब्रुक का विकेट लेते ही चहल ने T20 में अपने 300 विकेट पूरे कर लिए हैं और भारत के लिए वह सबसे ज़्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाज बन गए हैं। युजवेंद्र चहल की बात करें तो T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले वह भारत के पहले गेंदबाज बने हैं। इसके अलावा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी देखें तो युजवेंद्र चहल के नाम ही सबसे ज़्यादा विकेट हैं और अब चहल ओवरऑल T20 में भी सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं। ऐसे में चहल ने एक नया इतिहास भारत के लिए T20 में लिखा है। बहरहाल युजवेंद्र चहल की गेंदबाजी की बदौलत राजस्थान की टीम को काफ़ी फायदा हुआ और टीम ने 13 करोड़ के खिलाड़ी को केवल 13 रन पर ही आउट कर दिया। आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।